हेलो, मैं अली सर प्यारे आप लोग के लिए एक बहुत शानदार बहुत मजेदार ट्रिक लेकर आ रहा हूं। किसी भी नंबर का क्यूब देखते बता दीजिए, नंबर देखिए क्यूब बताइए, मात्र एक सेकेंड में। बस दो बातों का ध्यान रखना है आपको क्यूब रूट निकालने के लिए। देखिएगा बोर्ड पर बहुत ध्यान से। बाबू मैंने आपके लिए पहले से, टाइम आपका ना बर्बाद हो, पहले से हमने इनका क्यूब ले रखा है। देखिये 1 से 9 तक के संख्याओं का हमने क्यूब लिखा है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216, 7 को 300, 8 का 512, 9 का 739, जो आपको पहले से पता है। बाबू इस क्यूब में अब देखिए 1 का क्यूब करें तो इकाई का मतलब अंतिम संख्या 1 आएगा, 2 में 8 आएगा, 3 में 7 आएगा, 4 में 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 7 में 3 आएगा, 8 में 2 आएगा, 9 में 9 आएगा। तो देखिए बाबू बस 2 जगह चेंज होता है। हमने ये ब्लू 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 वाला ब्रैकेट में लगा दिया है कि बस इन 2 को खाली ध्यान रखिए, उसके बाद तो सब सेम होता है। 1 के क्यूब में 1 ही आता है, 4 में 4 ही आता है, 5 में 5 ही आता है, 6 में 6 ही आता है, 8 में 7 में ध्यान रखना है, 9 में 9 आता है, 8 में 2 आता है और 2 में 8 आता है। यानी 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा और 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 3 करेंगे तो 7 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 7 और 7 का करेंगे तो 3 आएगा। बॉस इतना ध्यान रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा बाबू कि ये जो क्यूब है 1 से 8 तक है, या 8 से 27 है, 27 से 64 है, 64 से 125, 125 से 216 है। बस अब देखिए मात्र 1 सेकंड में क्यूब निकालेंगे किसी संख्या का। देखिए लाजवाब तरीका बाबू, एक मान लो ये 921 का क्यूब निकालना है, बहुत जानदार तरीका बता रहे, मजा आ जाएगा बाबू। इसका क्यूब निकालना है ना, अब देखिए इसके अंतिम में क्या है, इकाई अंक क्या है, 1। इकाई अंक 1 है, एक किसके क्यूब में आता है, सिर्फ 1 के क्यूब में आता है। ये तो पक्का हो गया कि इकाई का अंक 1 होगा, यानी आखिरी संख्या 1 होगी। अब इन दोनों का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, इसका क्यूब रूट निकालने में। अब बाबू एक बात देखो, 9 देखिए किससे बड़ा है, जिससे बड़ा होगा और उसी को लिख देंगे। जैसे देखिए 2 का क्यूब से बड़ा है ना 9, तो 8 से 27 के बीच, 8 से लेकर 27 के बीच, यानी 8 से लेकर 26 तक का जो बॉर्डर है ना वो 2 का है। तो यानी 8 से जितना भी बड़ा है और 26 से जितना छोटा है या 26 तक का है, तो हम हमेशा 2 लिखेंगे। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, आपका 21 आंसर आ गया। हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको अभी क्लियरिटी नहीं आया, अगला क्वेश्चन में 100% आ जाएगा। देखिएगा बाबू अगर 6 है तो हम इकाई अंक, आपको पता है कि 6 का क्यूब करेंगे तभी 6 आएगा और किसी में नहीं आएगा, यानी पक्का हो गया कि इकाई का अंक 6 है, ये पक्का हो गया। अब 2 अंकों काट दीजिए, 2 अंकों हमने काट दिया। अब देखिए 17 है, 17 किसके बीच में है, 8 से 26 तक किसका बॉर्डर है, 2 का बॉर्डर है, तो 2 के बॉर्डर में है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, आपका 26 आंसर है। मजा आ रहा है, बहुत प्यारा तरीका है ना। ये देखिए बाबू आखिरी में क्या है, 7 है, तो अगर 7 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इकाई का अंक तो डिसाइड हो गया 3। अब हमारा इसका कोई रोल नहीं है। अब 12 किसके बॉर्डर में आता है, कहेंगे सर 2 के बॉर्डर में, क्योंकि 8 से लेकर 26 तक का बॉर्डर किसका है, 2 का बॉर्डर है, यानी ये 23 का क्यूब है। आप मोबाइल से करके देखिए यही आ रहा होगा। अरे मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से बाबू। अगर ये देखिए इकाई अंक 7 है, तो 7 है तो क्या आएगा, इकाई का अंक 3 आएगा, ये तो डिसाइड हो गया हमारा। अब देखिए 19 आ रहा है, अगर 19 आ रहा है तो 19 जो है 8 से 27 के बीच का है, लग रहा है प्यारे हमने इसको कुछ गलत डाटा ज्यूम कर लिया है, इसको अब छोड़ दीजिए, इसका लग रहा है डाटा कुछ गलत टाइप हो गया है। अगला में आ जाते हैं, यहाँ पे प्यारे यहाँ पे देखिए आखिरी का अंक क्या है, 4 है। आखिरी का अंक क्या है बाबू, 4 है। अब 4 बताइए किसके क्यूब में आता है, 4 के क्यूब में आता है, इकाई का अंक 4 तो डिसाइड हो गया। अब 2 अंक को आखिरी से काट दीजिए, 2 अंक हमने काट दिया, अब बचा कितना, 405। 405 देखिए किसके बॉर्डर में आता है, 405 ये देखिए 7 का जो बॉर्डर है, 343 से लेकर 511 तक का बॉर्डर है, तो ये 7 के बॉर्डर में आ रहा है, तो यानी इसका ये क्यूब है ये 74 का क्यूब है। मजा आ रहा है, 1 सेकंड में आ रहा है ना। अगला जैसे देखिए बाबू 9 है, आपको पता है कि 9 सिर्फ 9 के क्यूब में आता है, यानी इकाई 9 हो गया, 2 को कट करिए, 704
किसके बॉर्डर में, 8 का बॉर्डर देखिए, 512 से लेके 728 तक एक अंकम तक रहता है बॉर्डर, 728 तक बॉर्डर है, तो 8 के हिस्से में आएगा 704, यानी ये 89.89 का क्यूब है। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत जानदार तरीका लाया आपके लिए। बाबू इसकी इकाई अंक क्या है, 3 है, 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो 7 तो डिसाइड हो गया, ये दो अंकों को काटिए, 912। देखिए 9 का क्यूब है, 10 का क्यूब लिखेंगे कितना आएगा बाबू, 1000। ये देखिए जो 912 है 1000 से छोटा है, यानी किसके बॉर्डर में आएगा, 9 के बॉर्डर में आएगा, यानी ये किसका क्यूब है, 97 का क्यूब है। मजा आया कि नहीं आया, अगर ये चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अगले वीडियो मिलेंगे, थैंक यू सो मच प्यारे।